हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज मैं खेलने जा रहा हूँ डेड टारगेट। तो गाइस बताओ मुझे, तो मतलब पूरे मतलब सिटी में ना जॉम्बीज, मतलब जॉम्बीज जॉम्बीज आ चुके हैं। तो मुझे समझ सारे सारे जॉम्बीज को बचाना है। देखो मतलब सारे सिटी में जॉम्बीज ही आ गए हैं। तो अभी सामने तो यहाँ से कोई जॉम्बी निकल रहा है, तो मैं इसको देखो मारता हूँ। मैंने इसको देखो मार दिया। अब मतलब कल चारों तरफ ना जॉम्बी जॉम्बी, इतने जॉम्बी गाइस रहते हैं ना, पूछिए मत। मतलब जॉम्बी का पूरा भरमार हो जाता है एकदम। मैं एक बार इतने सारे जॉम्बी देखो गाइस कहाँ से कूद रहे हैं, ऊपर कोई ऊपर से कूद रहा है, कोई नीचे से कूद रहा है। देखो बाद में एक बार में इतना क्या हुआ कि नहीं पता, हुआ क्या कि पता नहीं एक जॉम्बी कहाँ से आ गया। बाकी सब जो होता है यहाँ पे ना, एक क्या बोलते हैं, बड़ा सा जेल है सामने ना, वहीं से जॉम्बी, एक जॉम्बी ने एक दूसरे एक आदमी को काट लिया। उसके बाद तो इतना पूरे सिटी में जॉम्बीज फैल गए। तो गाइस देखो वहाँ पर सब जगह जॉम्बी जॉम्बी हो गए। देखिए जॉम्बी मेरे पास भागते भागते आते, तो मैं उसको पहले मारता हूँ। रुको तो गाइस देखो, मैंने उसको हेडशॉट दिया, इसको भी मैंने हेडशॉट दिया। देखो उसको भी मैंने मारा। अब देखो यहाँ पे जो मोटा गेंडा भागते भागते रहा, उसको भी देता हूँ। तो मोटा गेंडा चलो मर गया। नहीं मोटा गेंडा तो जल्दी नहीं मरता, पता नहीं क्यों, वो वैनम उसको बोलते हैं, लेकिन वैनम ही है। अब उसको अभी मैं देख रहा हूँ कि जॉम्बी और कहीं नहीं है, मतलब चारों तरफ जॉम्बीज आ चुके हैं। तो वहाँ पर दिखा रहे हैं तो और भी ज़्यादा जॉम्बीज आने वाले हैं। तो मेरे पीछे से, हाँ मेरे पीछे की तरफ से जॉम्बीज आ रहे हैं। तो वैसे देखो यहाँ पर तो जॉम्बी आ रहे, एकदम भागते भागते इतने सारे जॉम्बीज आए। देखो एक ही बार में इतने सारे जॉम्बीज, मैंने यहाँ पे 7 लोग को मार दिया। देखो यहाँ भी जॉम्बी, 2 जॉम्बी मेरे पास भागते भागते आ रहे। तो एक जॉम्बी ने मुझे पंच मारा है, देखिए मैं भी मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्थ लो कर दिया कि पंच में। जो इनका जॉम्बीज का जो पंच लगता है गाइस बहुत ही तगड़ा लगता है, क्योंकि एक ही बार में आपका कितना 10% हेल्थ खा जाते हैं एक ही बार में, सोचो। और मुझे 2-3 लोग ने पप्पा लगातार मार दिया 2-3 बार, तो इसलिए मेरा पेटी बन जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाऊँगा एक बार में। तो मेरे इसी गाइस मेरे पीछे, मेरे जस्ट पीछे ही जॉम्बी था, तो मैंने उसको भी मार दिया है। और यहाँ से देखा तो पूरा क्या बोल रहे, इधर यहाँ पे डॉगी भी आ गया। तो हर चीज़ देखो यहाँ पे डॉगी भी इन्फेक्टेड हो गया। यहाँ मुझे रेज करना पड़ेगा, और रेज करूँगा, रेज किया तो जॉम्बी यहाँ पे तो सब स्लो मोशन में हो गया, तो मैंने इसको भी मार दिया। अब यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं, डॉगी भी आ रहा है। तो डॉगी को ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसे स्पीड से आते हैं ना, आपको एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। तो अभी यहाँ पर भी सामने दिखा रहा है एरो कि यहाँ से जॉम्बी आ रहा है। तो यहाँ से गए जो भागते भागते जॉम्बी आ रहे, तो यहाँ पर मैंने कितने, यहाँ पे गए मैंने हेड शॉट दिया, मुझे 3 रुपये मिल गए, 3 पैसे तो गए। यहाँ पे एक कुत्ता आ रहा है, मैंने कुत्ते को मार दिया। अब ये मोटे गेंडे को मारता हूँ, क्योंकि मोटा गेंडा जल्दी मरता नहीं है। तो कुत्ते को भी मारा। अब सामने की तरफ भी जॉम्बीज और आ रहे, तो मैंने इसको भी देखो मारा, इसको भी मारा, उसको भी मारा। और एक मोटा पता नहीं कि मर क्यों रहा, क्योंकि इसका नाम वैना मैना, तो मतलब ये सबका मतलब बॉस है, तो ये जल्दी मरता नहीं है। इसको मुझे मारने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको वैसे मारता, देखो मरेगा नहीं। मैं इतना सारा हेडशॉट मारूँ, अरे वो मरेगा नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेडशॉट मारना पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ पर मार रहा हूँ, मार रहा हूँ। अभी देखो मैं मार रहा हूँ, मेरे पास कितने अभी 600 MU भी बची हैं, तो मुझे अभी और भी एमओ खरीदनी पड़ेगी। तो ये मर जाए यार भाई, कि देखो यहाँ पे मतलब कितना मैंने कितना सारा लोड कर लिया तब जाके मरा नहीं। तो इसने तो मेरे पास जहर फेंक रहा है, तो लगता है इसलिए जब ये जहर फेंकता है ना, तो काफ़ी ख़तरनाक जहर होता है इसका। तो यहाँ पर इस क्या मतलब वैनम को भी मार दिया। अब जब भी शायद से पीछे की तरफ से नहीं, यहाँ की कहीं तरफ से तो आएंगे शायद से ना, लगता है पीछे की तरफ से जाएंगे। हाँ यहीं से आएंगे, क्योंकि अगली बार भी यहीं से दिखाया था, तो उधर से आए थे। देखिए गाइस यहाँ भागते भागते जॉम्बी आ रहा है, तो गाइस ने मुझे मारा है। अरे अरे बस चारों तरफ मतलब जॉम्बी जॉम्बी हो चुके हैं। अब देखते हैं कि रेंज, मुझे रेंज पे यूज़ करने बोल रहा है। मैं यार गाइस मैं मर चुका हूँ। मुझे क्या बोलते, मुझे शील्ड खरीदना पड़ेगा 10 रुपये 10 पाउंड का। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ शील्ड बचा है, तो शील्ड से मैं यहाँ पर सबको मार रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस जो मतलब ये इसको मैंने, इसको भी मैं मारता हूँ फटाक से। तो यहाँ पर मुझे रेंज भी बोलना है इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं रेंज को भी बाद में इस्तेमाल करूँगा। ये जो डॉग है देखो यहाँ पर आया, मैंने दोनों डॉगी को मार दिया। मैं सिर्फ एक को मार दूँ तो सब दोनों मर जाएंगे, क्योंकि मतलब जो एक अगर मरेगा वैनम, साथ में दूसरे वैनम को भी लेके मरेगा, क्योंकि वो जो फटता है ना, तो उसका जो पूरा जहर है अपने को दूसरे को मार डालेंगे। अभी को यहाँ सामने की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जॉम्बीज आ रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने मार रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कितने 2-3 को मार दिया। कुत्ता देखो फिर मैं यहाँ पर आ गया। ये जो जॉम्बी पता नहीं मेरे पास इतना कैसे जल्दी आ गया, तो पता नहीं कहाँ से आया। यहाँ से भी जॉम्बी, यहाँ पर भी जॉम्बी, काफ़ी सारे जॉम्बी। अरे भाई साहब मतलब मुझे मैं कितना मारोगे बस यार। मैंने यहाँ पर कितने, यहाँ पर मैं सिर्फ एक वैनम को मारना है, उसके बाद अपने आप दोनों वैनम मर जाएंगे। तो यहाँ पर गन रिलोड होने के बाद मैं इसको मारता हूँ। यहाँ पर मैं हेल्थ देखो कितना भी हेल्थ 40% बचा है। तो देखते हैं कि मैं खा कब तक टिकता हूँ। यहाँ पर एक डॉग आई थी, अब तो सिर्फ डॉग ही डॉग आ रहे हैं, अब क्या होगा। डॉग होता क्या कि ना, डॉग बहुत फटाफट आते हैं, इसलिए मैं इसको मार नहीं पाता। देखो जितना मैं गन रिलोड करता हूँ, उतनी देर में लोग आ भी जाते हैं झुंड बना के। तो मैंने यहाँ पर कितने सारे डॉगों से मार दिया है। लेकिन डॉग्स क्या है कि डॉग्स ना एक ही दो बुलेट में मर जाता है जी, अच्छी बात है। बस अगर डॉग्स पंच का और डॉग को मारने कम से कम 15-20 बुलेट लगेंगे, तो फिर मैं ये मैच आराम से हार जाऊंगा, क्योंकि डॉग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। अगर मैं एक डॉग को मारने के लिए 10-15 गोली यूज़ कर लूँगा, बाकी से मैं डॉग को ऐसे मारूँगा, तो उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ रहती है। मेरे पास फिर 30% हेल्थ बचा है। अब देखते हैं कि ये हेल्थ कब तक काम आता है, कि
कि चारों तरफ से जॉम्बी जॉम्बी है। अभी तो यहाँ पर कोई जॉम्बी दिख नहीं रहा, चलो यहाँ पर एरो दिखा दिया है, तो यहाँ पर इसके टनल के अंदर से जॉम्बी आ रहा है तो मैंने उसको मार दिया। फिर ये सामने की तरफ से होल के अंदर से पता है कितने सारे जॉम्बी आ रहे बार बार, तो मैंने उसको भी मार दिया। अब यहाँ पर देखो दो अगर जॉम्बी दोनों साथ में आए तो अभी कभी तक खतरनाक हो चुका है। यहाँ पर जॉम्बी चारों तरफ जॉम्बी, अरे बाप रे, अरे 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 रैंपेज यूज़ करना पड़ेगा भाई, रैंपेज यूज़ करता हूँ कभी। मैं यहाँ रैज यूज़ कर दिया रैंपेज, यहाँ पे ना स्लो मोशन हो गया, मैं इसको मारता हूँ, इसको मैंने मार दिया, इसको भी मार दिया। यहाँ पर मैं सबको हेडशॉट ही मार रहा हूँ लगातार। चलो तो सब यहाँ के समझ गए, लास्ट कोई जॉम्बी यहाँ पे आ रहा है तो उसको मैंने मार दिया। अभी जॉम्बी पता नहीं ऊपर से कहाँ कूद के, चलो उसको मैंने बर्फ़ से मतलब ख़त्म कर दिया, बर्फ़ को इसको मैंने फ्रीज कर दिया। अभी देखो जॉम्बी मतलब क्या सील लगा के आ रहा है, तो मैं सील उसको तोड़ दिया, अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने इसको भी ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पर तो जॉम्बी मतलब हेल्थ तो गाइस पता है, मतलब हेल्थ देखो कितना कितने मेरा हेल्थ अभी बचा है 2%, मतलब 2-3% बचा होगा। अभी भी जॉम्बी काफ़ी सारे जॉम्बी आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जॉम्बी आ ही रहे हैं। अभी तक मेरे पास मेडिकेट भी नहीं, मैंने मेडिकेट पहले यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर जॉम्बी काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैनम भी आ चुका लगता है गाइस, मैच में हारने वाला हूँ। तो यहाँ पर तो गाइस इसी के साथ वाला मैच में जीत गया, तो गाइस पता नहीं कैसे जीत गया लेकिन जीत गया गाइस। तो मैं यहाँ पर मैंने कितने सारे जॉम्बीज़ को मार दिया आराम से एकदम, मतलब काफ़ी अच्छे से मार दिया उसके बाद। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक लगा भाई। तो गाइस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लाइक कर देना वीडियो को गाइस, बस।